सितारगंज के विद्यालयों में बाल दिवस की धूम देखी जा रही है। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय ग्रीन बोर्ड पब्लिक स्कूल में बाल दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम के तहत मनोरंजन भी कर रहे हैं। विद्यालय में चीफ गेस्ट बतौर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी पहुंचे और बाल मेले का उद्घाटन किया। विद्यालय में बच्चे द्वारा तरह तरह के पकवान बनाकर स्टॉल लगाए गए हैं। विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए झूले, जंपिंग स्टॉल आदि कई मनोरंजन सामग्री लाई गई है। सितारगंज के प्रतिष्ठित ग्रीन बोर्ड पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधक द्वारा बच्चों के मनोरंजन के कई स्टॉल लगाए गए हैं। विद्यालय प्रबंधक गोपाल सिंह विष्ट ने दिवस पर सभी बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाल दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे मनोरंजन कर बाल दिवस मना रहे हैं। बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो है हमारे प्राइमरी सेक्शन और सीनियर सेक्शन ने जो है मिलकर जो है बाल मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरह की स्टॉलें लगाई हैं, जिसमें खाने के आइटम भी हैं, गेम्स भी वगैरह हैं, और बच्चे जो है खुद ही उस चीज़ को अपने हाथ से बना रहे हैं और बच्चों को जो है जो पेरेंट्स आ रहे हैं या उनको ग्राहक आ रहे हैं उनको जो है डील कर रहे हैं, उनकी अवगत कर रहे हैं, उनको शेयर और परचेज करने की उनकी आदत बन रही है, वो इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में जो है क्या कहते हैं बाल मेले का आनंद भी उठा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो है मुख्य अतिथि आदि माननीय आईजीएम साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने बच्चों को बहुत बहुत बधाई दी, बच्चों को बहुत उनकी तारीफ की। और इसी तरह जो है कि हम हर वर्ष जो है पिछले 35 सालों से ये इस तरह का ये आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है विभिन्न तरह की एक्टिविटी जो है जीवन की जो है सामाजिक एक्टिविटी सीखते हैं।